काम हो गया, कुछ ज़्यादा ही कोल्ड ड्रिंक आज पी लिया। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। आज के इस न्यू सेशन विथ न्यू कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। देखो, यूपीएससी जिस पैटर्न से क्वेश्चंस पर पूछ रही है, मुझे उस पैटर्न तो पढ़ना ही है, लेकिन क्या पता आने वाले टाइम में इस पैटर्न से भी क्वेश्चंस पूछ सकती है। इसलिए आज के इस सेशन में मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को डील करूंगा जो ऑलरेडी यूपीएससी अभी लास्ट 2-3 साल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुकी है, और चांसेज है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी लोग सेशंस और मेडिटेशन ले लो, सभी लोग सेशंस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कब करोगे? मेरे बच्चे अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ, राइट? अभी तो ये आपका ख़त्म ही नहीं हुआ, आप कितना जल्दी करें। सेशंस को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर कर दीजिए टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। इतना जल्दी आपको क्या लगता है नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा? कितनी क्लास में मैंने बताया था आपको कि नंबर सिस्टम फिनिश करूंगा, एटलीस्ट 20 क्लास लगेगी, लेकिन जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं मिनिमम बता दूँ मेरे प्यारे बच्चे, 30 क्लासेस आपको नंबर सिस्टम के ऊपर देना पड़ेगा। कितनी क्लासेस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। 30-40 क्लासेस, ये क्लासेस आपकी डिलीट भी हो जाएंगी, राइट, है ना, आपका रिमूव भी हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल के साथ प्रिपेयर करें, अच्छे तरीके से फोकस करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपसे किसकी बात करूं, नोटबुक लेकर के चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाओ, वरना फड़फड़ा जाओगे। ओके, तो ये सभी अनअकैडमी से सेलेक्टेड बच्चे हैं, आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे ये लास्ट ऑफर है ऑन द 17th of June, राइट, है ना। आरंभ एडमिशन 2026 बैच, क्या आपका टारगेट 2024 है? 12 मंथ्स का ओनली सब्सक्रिप्शन अराउंड 39,000, और अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो जिसका ऑफर प्राइस है 62,149। आराम से पढ़ना, राइट, है ना। ये 15th of June से जो बैच स्टार्ट हुआ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, 50% डिस्काउंट है, इंटरव्यू देते हो। अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका फ़ी रिफंड कर देता है। अगर आपका प्रीलिम्स हो गया तो मेंस के लिए बैचेज कल से स्टार्ट हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगा यहाँ पे, और आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ, हमारे साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आरंभ बैचेज है, एक यूपीएससी का लक्ष्य बैचेज है, दोनों बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो। आप सिंपली सीसैट का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलिए, रेडी हैं सभी लोग? सर, सिस्टम को हिंदी में क्वेश्चंस दो ना, हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे ये बताओ। सुरेंद्र सिंह, उसके प्रोसेस में लगा हुआ, राइट, है ना, उसके प्रोसेस में लगा हुआ। 2 से 3 मंथ रुको, आपको मेरी बुक आपको बहुत जल्दी विजुअल हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सेशंस को लाइक करिए। अच्छा देखो, सभी लोग जो है ना, नोटबुक जरूर बनाओ, राइट, है ना, नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है ना। अभी तक मुझे एक बात बताओ, जो मैंने अभी तक मैंने आपको जो क्लासेस दिया है, क्या पहले के कंपैरिजन में ये क्लासेस आपको औरों क्लास के कंपैरिजन में क्या आपको डिफरेंस लगा है कि नहीं लगा है, राइट, है ना। अगर लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। ये सभी सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है, मैं एकमात्र सीसैट एंड साइंस टेक फैकल्टी, आई एम टेकिंग द क्लासेस, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार से SSM सर के नाम से जाते हैं, 9 साल से अधिक का अनुभव है लगभग दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने के बाद, अभी मैं अनअकैडमी के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत सारे सर कैसे हो आप, आपका डिनर हुआ? मेरे बच्चे, मैं रात को डिनर करता नहीं। हाँ सर, प्रैक्टिस के लिए स्पेशल बुक लॉन्च करिए। हाँ, वही मैं चाहता हूँ, कितने बच्चों को चाहिए मेरा प्रैक्टिस बुक, राइट, प्रैक्टिस बुक। और इस प्रैक्टिस बुक का क्या प्राइस होना चाहिए आप बताओगे, राइट, क्या प्राइस होनी चाहिए, राइट। लगभग मैं चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिस बुक की प्राइस 1 रुपीज़ होना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। 1 रुपये में सभी बच्चों के घर बुक पहुँचेंगी, राइट, ओके। चलिए सर, कैसे हो? हाँ, यस सर, डिफरेंट है और इमेजिंग है। नहीं, रात को तो मैं डिनर करता नहीं, आपको भी डिनर नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा आप सभी को कहता हूँ, डिनर ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो चलो, एक सेकंड यार, बहुत आवाज़ आ रहा है, बहुत सारा, एक सेकंड।
चलिए तो भाई मेरे प्यारे बच्चे लिखिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। मैं ज़रा तेज नहीं बोलूँगा, पता नहीं यार, मैं शाम को कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, ठीक है, जिसके वजह से आज मुझे तबीयत मुझे ज़्यादा ख़राब लग रही है। लेक्चर 14। कोई डॉक्टर है तो मुझे बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हल्का सा जुकाम हो रहा है, राइट, तो क्या करूं, राइट। और कल मुझे वाटर पार्क भी जाना है, कल मुझे वाटर पार्क भी जाना है, अभी मेरा फ्लाइट है, ठीक है। सर आप पेड बैच में ऑनलाइन जूम पर पढ़ाते हो? सर आप पेड बैच में ऑनलाइन? नहीं भाई, ऑनलाइन जूम पर क्यों पढ़ाऊँगा पेड बैच में, कैसी बातें करते हो, हैं। जूम तो आपका, जूम सेशन का मतलब होता है यहाँ पर वीक में दो बार आप पर्सनल हमारे साथ टच में होते हो, आपको जो भी डाउट्स होता है ना, किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स होता है, चाहे टॉपिक का चाहे जीएस का, आप मुझसे वो पूछते हो, ठीक है, राइट। एज ए आईटीएन मुझे जितना एफर्ट लगता है मैं आपके लिए करता हूँ, ओके। चलिए शुरुआत करता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ शेयर सेशंस को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर। देखो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, राइट, है ना, आज का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है मैक्सिमम या नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर या जीरो, राइट, मैक्सिमम ऑफ पावर या नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपके दो क्लासेस होंगी, इसके ऊपर एक तो आज आपका बेसिक्स होगी, बेसिक्स प्लस कॉन्सेप्ट, एक आपका प्रैक्टिस सेशन। देखो लाइव ही देखना, नहीं तो वीडियो डिलीट होगा। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम मैंने आपको बता दिया, सीसैट बाय संजय कुमार साह, टेलीग्राम मैंने आपको बता दिया है, सीसैट बाय संजय कुमार साह, टेलीग्राम सीसैट बाय संजय कुमार साह। ध्यान से रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मुझे इसको चार्जिंग में लगाने दीजिए, क्योंकि लैपटॉप चार्जिंग दिख रहा है, ठीक है, लैपटॉप, राइट, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ओके। यूपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछ चुकी है अभी अभी, और नंबर ऑफ जीरो से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ये ध्यान रखना। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो ए ये बी है, ए जो है ना ये बेस है, बी जो है ये पावर है। जैसे अगर आपको पूछे 2, 3, 5, 4, 9, 6, 8, 10, 12, ध्यान से सुनना, मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूँ, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ कि 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी है 5, 4 की पावर कितनी है 9, 6 की पावर कितनी है 8, 10 की पावर कितनी है 12, आराम से पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मेरे क्लास में जितने भी ढोको लोलो, जितने भी मेरे पुचकू है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, राइट, ओके। तुलसी अदरक सॉल्ट काली मिर्च का काढ़ा बना के पी लीजिए सर, ठीक हो जाएगा। सर सर आप कच्चा 2 का राघव लग रहे हो, है, राइट, ओके, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, राइट, ओके। जैसे देखो ध्यान से, तो अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट जो करा रहा हूँ वो मैं करा रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ पावर, मैक्सिमम ऑफ पावर, पावर का मैक्सिमम, ठीक है। देखो जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, राइट, अगर मैं इसमें पूछ रहा हूँ पावर ऑफ 2 क्या होगा, राइट, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ पावर ऑफ मैक्सिमम 2, पावर ऑफ मैक्सिमम 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। अगर आप इस 2 को चेक करोगे तो 2 की पावर 1, 3 पे नहीं होगा, 4 पे चेक करोगे 2 की पावर 2, ठीक है। एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी दे रहा हूँ, राइट, देखिए इसको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, 1 की पावर b हो इंटू 1 की पावर c हो,
ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में है, सेम है, तो एक ही पावर में बी प्लस सी होता है, एक ही पावर में बी प्लस सी होता है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, जैसे 2 की पावर में 3 इंटू 2 की पावर में 4, तो 2 की पावर में 3 प्लस 4 2 की पावर में 7 हो जाएगा। 10 की पावर में 13 इंटू 10 की पावर में 12 10 की पावर में 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 10 की पावर में 25। x की पावर में y, x की पावर में z, तो x की पावर में yz, राइट, xyz की पावर a प्लस xyz की पावर b, तो ये कितना हो जाएगा, xyz की पावर a प्लस b, राइट, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m प्लस n, राइट, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 3 7 5 12 और 6 18, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट। चाहे मान लो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, तो 10 कर कितना, 1 2 3 3 6 5 11, ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कितनी भी पावर हो, पावर कितनी भी हो, राइट, अगर आपका बेस, अगर आपका बेस सेम हो, अगर पावर बेस अगर सेम हो और चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, राइट, अगर क्या हो जाती है, ऐड। ये बात समझ में आई तो सभी लोग 1 टाइप करो, नहीं समझ में आ रही तो 2 टाइप करो, आराम से पढ़ो, आराम से, राइट। मैं, हाय सर, वॉइस डिस्टर्ब कर रहा है, क्या आ रही है वॉइस में, बफरिंग हो रहा है क्या? सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, शेयर करिए, वॉइस में क्या आ रही है, बफरिंग आ रही है क्या, क्या वॉइस में बफरिंग आ रही है क्या, क्या आपको वॉइस में बफरिंग आ रही है, राइट, स्टक बहुत हो रहा है सर, नाउ इट्स फाइन, स्टक हो रहा था क्या, स्टक हो रहा था क्या, स्टक होना तो मुझे कॉल कर देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास होगा, नहीं है तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, यहीं तो यूट्यूब पे सर्च करो संजय कुमार शाह चैनल, वहीं पे आप किसी न किसी वीडियो के नीचे आपको दिख जाएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, आराम से पढ़िए, आराम से, ठीक है। चलो अब आगे देखो, बताता हूँ, आगे देखो, बताता हूँ, देखो, तो ये वो चीज़ है, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस 2 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा यार कहाँ गया, 2 की पावर 3, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितने हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3, ठीक है। आई होप मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ रहा हो, यस सर, अब ठीक है सर, क्लियर, देखो किसी को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो ना, चुपचाप, है ना, फ़ोन के क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, फ़ोन के क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8, ठीक है, ये ध्यान रखिए, राइट है ना, 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, देखो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे है ना, मैक्स पावर ऑफ मैक्सिमम 2, पावर ऑफ 2, 2 की पावर पूछा रहा हूँ, यहाँ भी पावर ऑफ हाफ के 2, ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ भी पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको दिखाऊंगा भाई, इस 2 को आप क्या लिखोगे, 2, 3 में तो आएगा नहीं 2 की पावर 1, 4 में क्या लिखोगे, 2 गुना 2, तो 2 की पावर 2, इस 6 को क्या लिखोगे, 2 गुना 3, तो 2 की पावर 1, 8 को क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको आप सीधा लिख सकते हो 2 की पावर में 3, लिख सकते हो, हाँ ना, लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 1 4 और 3 7, 2 की पावर कितनी होगी आपकी, 7, क्लियर है, सबको क्लियर है। सोवा राज भी चुपचाप पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए, जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो काफ़ी है, अभी रुको प्रैक्टिस के लिए सब कुछ बताऊँगा, राइट, NCERT की मैथ बुक में चैप्टर नंबर 7 में है सर, ये घटक करनी, अच्छा वो, चलो ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ऐसा कि CSAT के लिए जो है ना, इस बार है ना आपको NCERT भी पढ़ाऊँ, NCERT, राइट, कैसा रहेगा, राइट सर जी, अपना व्हाट्सएप बोलो ना, जमा हमदर्द काजा का पेपर CND करूँगा, उसको सॉल्व करके वालों प्लीज, सर जी अपना व्हाट्सएप नंबर बोलो ना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर क्या बोलूँ, राइट,
अभी रिपीट कर रहा हूँ जुमरा, देखो आपको केवल पावर ऑफ दो चेक करने, तो दो कहाँ कहाँ, फाइव के साथ तो आएगा नहीं, सिक्स में आप करोगे तो टू इंटू थ्री, एट में आप करोगे तो टू इंटू टू इंटू टू, आराम से करो, टेन को करोगे तो टू इंटू फाइव, राइट, इसको आप चेक करोगे तो दो की पावर यहाँ पे, यहाँ चेक करोगे दो की पावर तीन, एक 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 दो तीन, इसको चेक करोगे तो दो की पावर एक, इसको चेक करोगे एक और तीन चार और एक चार दो, यहाँ पर कितना हो गया आपका, पाँच हो गया, क्लियर है, इज़ इट क्लियर, आई होप मुझे लग रहा है कि ये सब क्लियर है, राइट सर, प्रीवियस तनुज गुप्ता प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, राइट, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, राइट है ना, आई होप मुझे लग रहा है कि दो का क्लियर है, राइट ओके, दो का सबको क्लियर है, दो का सबको क्लियर है, राइट ओके, दो का क्लियर है, ठीक है, अब देखो, अब देखो ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चंस में देखो, इसी क्वेश्चंस में देखो, मैं आपको इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ थोड़ा सा, चलो दो की पावर हो गया, ठीक है, दो की पावर हो गया, मैं इसी में यहाँ पर आपको तीन की पावर बताता हूँ, देखो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, राइट, पावर ऑफ थ्री, पावर ऑफ थ्री, देखो ध्यान से, पहली बात सिक्स में आएगा थ्री इंटू टू, सेवन एट में नहीं आएगा, ये थ्री में आएगा, थ्री इंटू थ्री और कहीं नहीं आएगा, ये थ्री की पावर कितनी होगी, एक, यहाँ पे थ्री की पावर कितनी होगी, दो, तो वन प्लस टू कितना आएगा, थ्री, पावर ऑफ थ्री कितना आएगा, थ्री आएगा, आई बात समझ में सबको, आई बात समझ में आ रही, बात समझ में श्रेया, आई होप अब मुझे लग रहा है सभी बच्चों को आ रहा है समझ, लेकिन भाई इस तरीके से आप मैनुअली तो चेक तो नहीं कर सकते, इस तरीके से अगर आप मैनुअली चेक तो नहीं कर सकते, राइट, छोटा आएगा तो मैनुअली चेक कर सकते हैं, हालांकि यूपीएससी ने आपका बिल्कुल छोटा ही क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने इसमें बिल्कुल छोटा ही क्वेश्चन पूछा था जो मैं आपको बता दूं, राइट, ये बात सबको समझ में आई, देखो इसी में देखो मैं एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूँ, इसी में आप देखो कि एक क्वेश्चन मैं और देना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना छः गुना सात गुना आठ गुना नौ गुना दस गुना ग्यारह गुना बारह गुना तेरह गुना चौदह गुना पंद्रह पंद्रह पंद्रह, ठीक है ना, पंद्रह, ठीक है, देखिए पंद्रह पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, पावर ऑफ दो बताइए, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, पावर ऑफ थ्री बताइए, थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, पावर ऑफ फोर बताइए, आराम से बताइए, प्लीज़ टेक योर टाइम, प्लीज़ टेक योर टाइम, आराम से सोच के बताओ मेरे बच्चे, आराम से सोच के बताओ, जो यूपीएससी चाहती है ना, मैं उससे कई गुना ऊपर आपका लेवल उठाऊंगा, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, राइट है ना, अगर आप क्लास को हमेशा अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा, ओके, डेफिनेटली आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा, ओके, कल क्लास आपकी कोई भी नहीं होगी, कल क्लास आपकी नहीं होगी, कल आप ऑफ पे रहोगे, राइट, कल संडे है, संडे है, कल का दिन आपके लिए मैं आपको ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आपकी क्लास मंडे से ऑन टाइम चालू हो जाएगी, मंडे से आपकी क्लास ऑन टाइम चालू हो जाएगी, ठीक है, आराम से सोचो, आराम से सोचो, आराम से, आराम से, आराम से, पहले थोड़ा ब्रेन यूज करो, बैठ के ब्रेन यूज करो, बैठ के सोचो कि सर क्या क्या बता रहे हैं, सर क्या चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, आराम से सोचो, आराम से सोचो, उसके बाद तो मैं आपको अपना और फंडा बताऊंगा, जिससे कि आप और भी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस को आप और भी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है, आराम से, कम ऑन सभी लोग, सर घर का साउंड आ रहा है, बिल्कुल साउंड आ रहा होगा घर का, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो चलो घर का साउंड आ रहा होगा, ठीक है, चलो ये लो, ओके, सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करें, आराम से, आई थिंक 2021 में पूछा था सी सेट ने क्वेश्चन, क्या बात है तनुज गुप्ता, वेरी गुड, सभी लोग कहो तनुज गुप्ता को थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन करो, थैंक यू बोलो इसको, इसको थैंक यू बोलो, टी फॉर तनुज, टी फॉर थैंक यू, इसको थैंक यू बोलो, बिल्कुल इसी पैटर्न पर यूपीएससी 2021 में पूछी थी, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चंस, क्या पता यूपीएससी आपको लॉलीपॉप दे रही हो, 21 या 22 में, 21 आई थिंक 22 में पूछी थी, ऐसे देख चेक करना आप सही से, आई थिंक 2022 में मुझे लगता है पूछा होगा, राइट, 21 या 22 में, राइट,
लेकिन मैं आपका लेवल कहीं वहाँ भी इंक्रीज कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, पेशेंस रखो। देखो बस सर, ए एफ क्या एनडी फेंडी सेकेंड के आंसर, थैंक यू, वेरी गुड। शीतल चौधरी, प्रीति बनर्जी, पूजा जुमरा, वेरी गुड वेरी गुड। अंकित राज, कमॉन कमॉन। अंजलि वर्मा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। सर टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज के लिए टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके रखें एक बार, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमॉन 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 टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो अगर आपको पावर ऑफ दो चेक करना है, ठीक है, पावर ऑफ दो चेक करना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, दो गुना एक, चार का क्या होगा, दो गुना दो, छः पे क्या होगा, दो गुना तीन, आठ पे क्या होगा, दो गुना दो, ध्यान से देखो, टेन पर कितना होगा, दो गुना पाँच, फिर यहाँ पे क्या होगा, दो दूनी चार, चार तिया बारह, फिर यहाँ पे जहाँ पे दो दो से टूट सकता है, टू इंटू सेवन, इतनी क्लियर है। अब देखो दो की पावर एक, यहाँ दो की पावर एक एक, फिर ये 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 एक, एक 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 एक, देखो कितनी दो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तो पावर ऑफ दो इसका आंसर कितना आएगा, आपका ग्यारह आंसर आएगा, क्लियर है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10, वरना आप हमें SP साहब कोड का रिप्लाई कर सकते हैं। आज अनअकैडमी पे लास्ट डेट का ऑफर है, कभी भी प्लस कोर्स ज्वाइन करना हो या आइकॉनिक कोर्सेस, आप मेरे कोड को यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है केवल आपको मेरी ही क्लास मिलेगी, आपको सभी एजुकेटर की क्लासेस मिलेगी, राइट, आपको सबसे आपको गाइडेंस लेने का मौका मिलेगा, सभी एजुकेटर से बात कर सकते हो, सभी से आप कुछ भी पूछ सकते हो। पावर ऑफ थ्री के लिए चेक करो, देखो पावर ऑफ थ्री के लिए, थ्री के लिए यहाँ पे आएगा थ्री इंटू वन, फिर सिक्स में आएगा थ्री, थ्री इंटू टू, फिर नाइन में आएगा थ्री इंटू थ्री, फिर ट्वेल्व में आएगा थ्री इंटू फोर, फिर आपका इसमें आएगा थ्री इंटू फाइव। अब देखो कितने थ्री हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, तो पावर ऑफ थ्री कितना आ जाएगा, आपका छः हो जाएगा आंसर, छः हो जाएगा आंसर। ध्यान से करो, आराम से समझो, जो बच्चे अभी लेट आए हैं इस सेशंस को शुरू से देखिएगा। आज तो मैं आपको इतना ही तक पढ़ाऊँगा, यानी कि पावर ऑफ मैक्सिमम तक ही पढ़ाऊँगा, ताकि आप उसको पिछले क्वेश्चन चीज़ों को देख करके आप समझ सको, फिर मैं आपको नंबर ऑफ जीरोज वाला कराऊँगा, राइट। अगर मैं आया हूँ तो आपको अच्छे से तो पढ़ाना ही पड़ेगा, यस या ना। ओके, सेशंस को सभी लोग लाइक किया ना, अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया, ये कैसी दुख दस, कैसी इतना। रघुपति राघव राजा राम, जितना मेहनत उतना काम। ओके सर, हिंदी में क्वेश्चंस PDF दीजिए टेलीग्राम, ठीक है सर। देखो आराम से पहले समझो, तो पहले समझो, तो पावर ऑफ फोर चेक करो, पावर ऑफ फोर चेक करो। देखो अगर आप पावर ऑफ फोर चेक करोगे, ठीक है, पावर ऑफ अगर आप फोर चेक करोगे, देखो ध्यान से फोर चेक करोगे, तो फोर तो आपका यहाँ पे आएगा फोर इंटू वन, फिर आपका एट यहाँ पे आएगा फोर इंटू टू, और फोर कहाँ आ सकता है, फोर यहाँ आ सकता है फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, और कहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, राइट। तो फोर कितनी है, एक दो और ये तीन, तो पावर ऑफ फोर कितना आएगा, आपका तीन आएगा आंसर। आया तीन आंसर क्या, आप सभी का तीन आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, अरे बिल्कुल बहुत अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर, जरूर बनोगे तुम IAS या IPS ऑफिसर। अगर नहीं है दोस्तों तो अपने एनर्जी को निखारिए, आपसे बेहतर कोई नहीं कुछ जानता, राइट। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल चीज़ों पर लेकर के डिस्कस करना YouTube पे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ध्यान रखना, राइट। मैं भी चाहूँ तो आपको डेली आकर के मोटिवेशन लिखा, क्या पिछले 10 दिनों में, मैं पूछ रहा हूँ पिछले 10 दिनों में क्या मैंने कभी एक भी स्ट्रेटजी वीडियो आपको बताया, क्या मैंने कभी एक भी ऐसी बात, तुम ऐसे पढ़ो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा,
क्या मैंने आपको बताया? बताओ, पिछले 10 दिनों की बात कर रहा हूँ, नहीं ना? राइट माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी परवाह करता है समझ लो वही आपके लिए है। इसलिए कंटेंट पे बात करता हूँ, आपको कंटेंट पढ़ा, तो बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए, आपको किसी को कोई भी कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली लाइव देखोगे। हाँ, लाइव देखो राइट, है ना? कम से कम क्लास में 5000 बच्चे लाइव होनी चाहिए। अगर वीडियो पे व्यू तुरंत इतना आता है, राइट, तुरंत आफ्टर एंडिंग द सेशन, तो एटलीस्ट माय डियर फ्रेंड्स 5000 बच्चे लाइव जरूर होना चाहिए। डेफिनेटली आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ यू फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग विथ मी। ओके, हेलो सर। हाँ जी सर, नेक्स्ट मंथ ले सकते हैं। ओके ओके सर, टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर। ओके, डोंट वरी। देखो, अब देखो, यहाँ से जो है ना, आपको एक SSL फंडा बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा इरेज कर। अच्छा, पावर ऑफ फाइव बताओ तो, कोई मुझे पावर ऑफ फाइव बताओ तो, पावर ऑफ फाइव बताओ तो, कोई मुझे पावर ऑफ फाइव बताओ तो, पावर ऑफ फाइव बताओ तो, कोई भी बच्चा मुझे पावर ऑफ फाइव बताओ तो, पावर ऑफ फाइव बताओ, कोई भी बच्चा मुझे यहाँ पे पावर ऑफ फाइव बताइए, पावर ऑफ फाइव बताइए कितना आएगा, पावर ऑफ फाइव बताइए कितना आएगा, बताइए पावर ऑफ फाइव। देखो भाई, ये तो मैंने आपको बेसिक्स बताया, राइट, लेकिन आप एक बार और सोच सकते हो। देखो कैसे सोचोगे, देखो ये टोटल कितनी है 15 तक है, लगातार 15 तक है, और आपसे जो पूछा जाएगा इस तरीके से ही पूछा जाएगा, लगातार तरीके से। अगर नहीं पूछा जाएगा तब तो जो मैंने आपको पहला वाला बेसिक्स बताया आप उसको ऐसे ही चेक करोगे। ध्यान रखो, अगर कहीं लगातार है कंजुगेटिव, ये क्या है कंजुगेटिव है, राइट, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या नहीं तो आप इसे फैक्टोरियल 15 भी लिख सकते हो। याद करो मैंने फैक्टोरियल आपको पढ़ाया था ना, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 करोगे, राइट, तो आप क्या करो 15 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 7, ये 2 से डिवाइड किया 2 की पावर 1, अब 2 की पावर 2 4 से डिवाइड कर रहा है, 15 में 4 से डिवाइड करोगे 4 तिया 12, 15 में डिवाइड करोगे 4 से तो 4 तिया 12, राइट, है ना? 2 की पावर 1, देखो ये कितना, ये क्या, ये 2 की पावर 1 है, ये कितना है 2 की पावर 2, अब 2 की पावर 3 कितना आएगा आपका 8 आएगा, 8 से डिवाइड करिए 15 में कितना आएगा आपका एक बार में जाएगा, अब 2 की पावर 16 से 15 डिवाइड कर नहीं सकते, तो भैया कितने जीरो हो गए 7 7 प्लस 3 प्लस 1, क्या आपका 11 आंसर है, क्योंकि पूछा है 2 की पावर। आराम से समझो, आराम से, और पढ़ना भी सर है कैसे की बात नहीं है, वो भी इससे एज में। सर मैं क्या बोलते तुमको, कमेंट में समझ में आता नहीं। अब सुनो, पावर ऑफ 3 चेक किया, 3 की पावर 1 करोगे, देखो 3 की पावर 1 करोगे तो आपका कितना आएगा 3, 3 से डिवाइड करोगे 15 में कितना आएगा आपका 5, राइट, 3 की पावर 2 करोगे कितना आएगा 9, 9 से चेक करोगे 15 कितना आएगा आपका 1, 3 की पावर 3 करोगे कितना आएगा आपका 27 से 15 में आपका जाएगा नहीं, तो कितना आया आपका 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर 6 आएगा। क्या पहले 3 की पावर 6 आया था, 3 की पावर पहले 6 आया था, देखो पावर ऑफ 4 है, 4 की पावर 1 करोगे 4, 4 से 15 में डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 3, 4 की पावर 2 करोगे 16, 16 से फिर डिवाइड नहीं कर सकते तो आंसर कितना आएगा आपका 3 आएगा। ये वाली बात सबको समझ में आया, दोबारा बता रहा हूँ आप टेंशन नहीं लो, इन सबको काट के एक ही रूल बताऊँगा, एक ही फंडा बताऊँगा, जो होगा आपका SSM फंडा, इन सभी को यूज कर रोक करके केवल एक ही बताऊँगा राइट। भाई 3 की पावर पूछा, राइट, तो हमने एक बार 3 की पावर 1 किया 3 से टोटल 15 में डिवाइड किया 5, फिर 3 की पावर 2 किया 9, 9 से 15 डिवाइड किया 1, 3 की पावर 3 किया 27 से 15 में डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए ये 5 प्लस 1 आपका 6 हो गया, राइट, 16 हो गया। फिर से यहाँ पर देखिए, देखो 2 की पावर 1 किया 2, 2 से 15 में डिवाइड किया तो 7, फिर 2 की पावर 2 किया 4, 4 से 17 में डिवाइड किया कितना आया 3, फिर 2 की पावर 3 किया 8, 8 से 15 में डिवाइड किया 1, 2 की पावर 4 किया 16 से 15 में जाएगा नहीं तो ये आएगा नहीं, इसलिए आंसर कितना आया 7 प्लस 3 प्लस 1 कितना आया आपका 11, यही तो है आपका IITian अप्रोच,
यही तो है आपको IITian वे, राइट, जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ने के बारे में सोचें, अगर आपका मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, कॉम्प्रिहेंसन वीक है, DI के डिसीजन मेकिंग है, तो आप इस तरीके से मेरे क्लास को पेड करके पढ़ सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, एक बात और कहूँ, मेरे क्लास ऑल ओवर इंडिया में सबसे महंगी ज़रूर है, लेकिन वाकई में आपको पेशेंस के साथ पढ़ना होगा, राइट। अगर आप एक बार ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया, पेड तो कोर्स है तो सबसे महंगे, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत है, राइट। इस अप्रोच से मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझिए, ध्यान से। सर, इफ़ एनी डिजिट इज़ टू बिग देन हाउ टू कर, बेटा ज्योति भारती में सब बताऊँगा, तुम मत फरफराओ अभी, मत फरफराओ, राइट। मुझे पता है आप 5 पूछोगे, 6 पूछोगे, जो पूछना है 6 पूछोगे, 7 पूछोगे, 8 पूछोगे, 9 पूछोगे, कुछ भी पूछोगे सब होगा, थोड़ा पेशेंस रखो, राइट। है ये भी अभी मैंने पढ़ाया कहाँ आपको, अभी तो जस्ट मैं आपको समझा, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर के 20 तक में, ये 20 तक में है, ठीक है। देखो 1, 2, 3 से लेकर के ये आपका 50 तक में है, 50 तक में है। देखो देखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, मैं आपको पावर ऑफ टू पूछ रहा हूँ, देखो पावर ऑफ टू पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिए पावर ऑफ टू पूछ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो पहली बार देखो, 2 की पावर अगर आप 1 करते तो कितना आता है आपका, 2 आता है, 2 आता है, 2 आया, तो इस वाले 2 से आप डिवाइड करो 20 में, कितना आएगा आपका 10। देखो ध्यान से, अब देखो 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आया, 4। ये सब आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली कैलकुलेट हो जाएगा। 20/4 करोगे कितना आएगा, 5। 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा आपका, 8। 20/8 करोगे, 8 × 2 = 16, राइट। 2 की पावर 4 करोगे, 16। 20 में 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1। और 2 की पावर 5 करोगे, 32। इसका मतलब 10 + 5 = 15 + 2 = 17 + 1 = 18। टोटल कितना आएगा, 18। यानी कि 2 की पावर कितना आएगा, यानी कि 2 की पावर कितना आएगा आपका, 18 आएगा आंसर। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आराम से समझो। हाय सर, कह रहे सर फ्री क्लास में नहीं होगा कंप्लीट कोर्स CSAT का, भाई क्यों नहीं होगा, मैं जो करा तो रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप, मैं तो ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, राइट, है ना। क्लास में लाइव हो, पढ़ो अच्छे तरीके से, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरा तुम पेड कोर्स कर लो, राइट, ये कर लो वो कर लो, राइट। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपके पास टाइम नहीं, जैसे आज एक बच्चा है डॉक्टर मयूश्री, राइट, है ना, डॉक्टर मयूश्री अगर है क्लास में तो बताना, राइट राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना चाहता है, और ज़्यादा 10 जगह भटकने से अच्छा है कि, तो उसके लिए सर कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, वहाँ ढकोलोल हो तुम, ठीक है। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें पूछ रहा हूँ आपको पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 5, देखो पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 5, देखो पावर ऑफ 5, तो 5 की पावर देखो 50 से आप 5 की पावर 1, 5 से डिवाइड करोगे तो 10। 50 से 5 की पावर 2, 25 से डिवाइड करोगे तो 2। 5 की पावर कितना आएगा, 125 से 50 में डिवाइड कर नहीं सकते, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 10 + 2 = 12 आंसर, 5 की पावर 12, राइट। अगर मान लो इसी में, मान लो अगर आपसे पावर ऑफ, अगर मान लो आपसे 3 पूछा जाता, क्या पूछा जाता, पावर ऑफ अगर आपसे मान लीजिए 3 पूछा जाता, राइट, है ना, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, 50 में 3 से डिवाइड करते 16 × 48, 3 square 9, 3 power 2 = 9, 9 से 50 में डिवाइड करते 5 आता, राइट, 3 cube 27, 27 से 50 में डिवाइड करते 1 आता, और बाकी होगा नहीं, राइट। तो कितना आएगा, 16 + 5 + 1 करोगे कितना आएगा आपका, 22। तो पावर ऑफ 3 जो है वो कितना आएगा आपका, आपका 22 आएगा। आराम से समझो, आराम से, सबको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है, अरे इंटरनेट का कैसे इशू आ रहा है, इंटरनेट बफरिंग आ रहा है, इंटरनेट का इशू तो नहीं आना चाहिए, इंटरनेट का इशू कैसे हो गया, इंटरनेट का इशू कैसे हो रहा है, देखो तो चेक करो तो, कोई वाईफाई वाला तो नहीं, आंधी तूफान तो नहीं आ रहा है, ये भी पढ़ाने का तो लग रहा है, इसके ऊपर केस करना पड़ेगा, नहीं बहुत डिस्टर्बेंस करता है, पढ़ाने तो देता नहीं है, जब कुछ सिखाने के मूड में हो ना तो कुछ सिखाने नहीं देता, राइट, ये
जियो का फाइबर लगा हुआ है फिर भी इतना डिस्टर्बेंस होता है, नहीं जियो का फाइबर लगा हुआ है। सी सैट बाई संजय कुमार शाह ज्वाइन कर लो, राइट, सी सैट बाई संजय कुमार शाह ज्वाइन कर लो, सी सैट बाई संजय कुमार शाह ज्वाइन कर लो, सी सैट। अभी इसमें एक और तरीका बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, राइट, है ना, अभी आप टेंशन नहीं लो, अभी आप टेंशन नहीं लो। 1 2 3 4 5 6 आप जो है ना आप 100 तक करो करो, राइट, 1 2 3 4 इसमें जाओगे तो आप 500 तक करो, राइट, इसमें आप पावर ऑफ आप 7 बताओ, पावर ऑफ 7 बताओ, राइट, है ना, इसमें आप हमें पावर ऑफ 5 बताओ, 5 की पावर कितनी होगी, राइट, है ना, और इसमें जो है हमें आप पावर ऑफ जो है ये हमें आप 7 बताओ, 7 बताओ, इसमें पावर ऑफ 5 बताओ, आराम से सोचो, आराम से सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करते रहे, राइट, है ना, सभी लोग टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, कार साफ होगा, दे दो इससे कार साफ करेंगे। पापा फिर अपनी यहाँ से मेरे घर में आना, फिर दिन हो गया ना, फिर मेरे घर में ये मारना, फिर आपको भी ये। ठीक है, आपके घर अब नहीं आऊँगा, दे दो। क्लियर, देखो ध्यान से देखो, पावर ऑफ 5, आप पहले सोचो, प्लीज आप टाइम जरूर लगाओ, आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम जरूर लगाओ, अगर आप ये सीख गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत है, एक बार आप पहले इसको समझो, फिर आपको SSM फंडा सिखाऊंगा, ठीक है। हर्षा मिश्रा, देखो भाई कल क्लास नहीं होगी, राइट, है ना, कल लगा दूँ क्या क्लास, कल नहीं होगी क्लास, राइट, है ना, कल ये क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, क्लास होगी आपका परसों होगी, मंडे को होगी सेम टाइम, राइट, मंडे को, कल क्लास मतलब कल थोड़ा सा रेस्ट करो, राइट, है ना, कल मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर को रिवाइज कर लेना, ठीक है, कल मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर को रिवाइज कर लेना, राइट, देखो पढ़ाए हुए 5 है ना, 5 है, तो 5 की पावर देखो, 5 की पावर 1 यानी 5 है, 5 से 100 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20, 5 की पावर 2 25, 25 से 100 में डिवाइड करोगे 4, 5 की पावर 3 करोगे 125 से 100 में डिवाइड जा नहीं सकता, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 24, तो 5 इसका कितना आएगा आपका 24 आएगा, ठीक है, 5 की पावर 7 देखो, 7 की पावर 1 करोगे 7, 7 से डिवाइड करोगे 500 में, तो भाई 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7 71 होगा ना, 7 7 जा 49 1 0 7 जा 7, ठीक है, 7 की पावर 2 49, 49 से 500 में डिवाइड करो, राइट, 49 10 जा 490, 49 10 जा या 49 इंटू 11, एक सर को 49 इंटू 11 करें तो 9 9 4 13 4 1 5 नहीं है, यही से 10 होगा, राइट, 7 की पावर क्यूब करेंगे 343 से 500 में डिवाइड जाएगा तो आपका कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा आपका, 1 होगा, 74 इससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 1 2 7 1 8 82, यानी इसका कितना आएगा आपका, 82 आएगा, आया आपका 82, किसी का आया 82, बहुत अच्छा आशीष, जियो मेरे शेर, जियो 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 जियो,
वेरी गुड वेरी गुड। जियो मेरे सर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अरे वाह मज़ा आ गया। अब देखो मैं आपको यूपीएससी का भी क्वेश्चन, अभी तो मैंने आपको एसएसएम फंडा बताया ही नहीं, अभी तो मैंने एसएसएम फंडा बताया ही नहीं। 2021 में है क्या? 2021 में आपने बोला था क्या? हमें नहीं लगता 2021 में हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2021 में तो नहीं आप होगा, सही है। 2021 में पूछा था क्या? एक मिनट, लग रहा है शायद 2022 होगा, मुझे लग रहा है शायद 2022 होगा, बट फिर कौन सी ईयर में पूछा गया था आपके पास? मैंने पहले दिन ही बताया था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखो साथ में, राइट राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखो साथ में। वो तो आप रखोगे नहीं, राइट है ना, और ब्लेम करोगे सर के ऊपर कि सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, पापा सर ने तो टाइम पास कर दिया, राइट। और क्लास के बाद पता चले कि तुम मेरी क्लास को ना देखो, प्रैक्टिस ना करो, और तुम सनी भाभी क्यों तुम देखो, राइट। क्योंकि तो आजकल बच्चे बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं यार। 21 ही हो गया तो यही होगा 22 में ही था ये, कितना देखो 21 में तो नहीं था। एक ढोको लोलो है क्लास में, उसने बोला था 21। ढोको लोलो, महा ढोको लोलो, तनुज गुप्ता बताया था ना। तनुज कहाँ है 21 में? 21 में तो है भी नहीं। टुभुपति हरे इतना, इस बार का तो सीसेट का लेवल और बढ़ेगा, मैं पहले भी बताया था, इस बार भी बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे अपने आप कभी भी बदल नहीं पा रहे हैं, राइट, अभी तक बदल नहीं पा रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहा, राइट। रिकॉर्डेड देख रहे हो, एक दिन अगर सेशन कहीं आपका रिमूव कर देंगे तो आपका क्या होगा? सानो आवाज नहीं, ये देखो क्वेश्चन, राइट, ये देखो क्वेश्चन। ये बच्चे बहुत बदमाश हैं, बच्चे बहुत ये देखो क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, 2022 का है। पहले क्वेश्चंस को रीड करो, देखो भाई 1, 2, 3 से लेकर के 15 तक है, 1 से लेकर के 15 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 15 तक है। 3 की पावर m है और ये n है, पूछा है कि m n n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रही है, किसकी वैल्यू? m की मैक्स। पहले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले सुनो, आपको क्या पूछा रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब क्वेश्चंस को घुमा के पूछा। ये ढोको लोलो यूपीएससी हमको बेवकूफ़ बना रहा है, मास्टर ने पढ़ाया पावर ऑफ क्या, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है भाई? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m का मतलब किसकी पावर पूछी जा रहा है, क्वेश्चंस को समझो। मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, क्वेश्चंस पूछ और रहा है, घुमा के थोड़ा सा पूछ रहा है, राइट, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ढोको लोलो आंसर तो कोई दे नहीं रहा है फटाफट, सॉरी क्वेश्चंस तो बता नहीं रहा है, खाली आंसर ठप 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 आंसर दे रहा है। टेंशन नहीं लो, राइट, मेरा टेस्ट सीरीज आ रहा है, सबसे महंगा टेस्ट सीरीज होगा, राइट, आने बहुत महंगा टेस्ट सीरीज होगा, देखना, राइट, फिर मुझे पता चलेगा कि आप कितना पानी में हो, आप कितना पानी में हो, ओके, आपको कहीं और पानी मित्र है। कौन कौन है पटना से, कौन कौन है पटना से, कोई है पटना से? टुमारो आई विल बी इन पटना, कल मैं पटना में रहूँगा, इस वक्त शाम को करीब मैं 10-11 बजे से रहूँगा पटना में, पूरा दिन मेरी पटना में, इवनिंग में क्लास भी है, दिन में मैं वाटर पार्क में रहूँगा। बारिश हो रहा है, हो गया, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, जोर से कहाँ हो रहा है बारिश भाई? थोड़ा सा बारिश हो रहा है, मैं थोड़ा बारिश देख के आता हूँ, ठीक है,
हम पटना से हैं सर जी, जिसको भी पटना में मिलना हो कल मिल लेना, ठीक है। छपाक वाटर पार्क का नाम सुना है? छपाक, छपाक। क्लियर। फिर परसों मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट है, ओके। तो दिन में कोई क्लास होगी नहीं, इवनिंग में ही क्लास होगी, राइट। दिल्ली आते आते मेरे को 3-4 घंटे लग जाएंगे। कौन कौन है पटना से सर? डिविजिबिलिटी रूल कब होने वाला है? यार तुम महा ढोको लोल हो परीक्षित। मैं पढ़ा रहा आराम सर, पीपीए पापा यूपीएससी के लिए नहीं मान रहे हैं, कहा मान नहीं रहे, क्या करें? नहीं मान रहे हैं तो पापा को बोलो पापा शादी कर दो। अगर पापा नहीं मान रहे यूपीएससी, पापा को बोल दो पापा फिर शादी कर दो। अब उससे क्या होगा, अपने हस्बैंड को मना लेना। हस्बैंड तो आपके बस में होगा ही, हस्बैंड का मतलब जो हंसने के ऊपर बैंड बजा दे, हंसने के ऊपर हो गए, वो तो आपको करने ही देंगे। सेशंस को सभी लोग लाइक करें। कल हॉलीडे है, प्रिया जंगी 3 की पावर पूछ रहा है, ज्योति भारती, ठीक है। देखो ठीक है, अब देखिए सर, यूज टू फील मैथ वॉज डिफिकल्ट एंड वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ सी सैट, बट आपकी क्लास देख के फील आई कैन डू इट एंड एंजॉय इट। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके सर। बफरिंग कर रहा है कभी कभी, बफरिंग पता नहीं क्यों हो रहा है। सेशंस को सभी लोग, पता आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है मुझे, लेकिन कोई बात। देखो अभी बता रहा हूँ आप सभी को, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आपको 6 आवर्स की लंबी क्लास मिलेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मैंने क्या बोला। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आपको 6 घंटे की लंबी क्लास मिलेगी। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आपको 6 घंटे की लंबी क्लास मिलेगी। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आपको 6 घंटे की महामैराथन क्लास मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम के थ्रू मिलेगा। टेलीग्राम का मतलब है सीसैट बाई संजय कुमार साहा। अब देखो भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12 × 13 × 14 × 15 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। देखो इस 3 के लिए आपको क्या करोगे, 3 × 1 और 3 कहाँ आ सकता है 6 में, 3 × 2 और कहाँ आ सकता है यहाँ, 3 × 3 और कहाँ आ सकता है यहाँ, 3 × 4 और कहाँ आ सकता है यहाँ आ सकता है, 3 × 5। देखो कितना 3 है, देखो कितना 3 है, देखो कितना 3 है, देखो 1 × 3 × 2 × 3 × 3 × 3 × 4 × 3 × 5 × 3 × 6 × 3। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर ऑफ 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 × 6। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m ये कितना आएगा, G6। सर जिसको भी समझ में आ रहा है अनअकैडमी से किसी भी कोर्स के लिए किसी भी कैटेगरी में, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SKS10 और डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे या मुझे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। मेरा आपका कॉल एडमिशन लेने के बाद मैं ही बात करूंगा, विश्वास नहीं हो तो एडमिशन लेने से पहले भी आप मेरे से बात करके ले रहा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि तुम कुछ और कोड में जा रहे हो, तुमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, फिर बाद में तुम परेशान हो रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए। प्रिया आपको दीदी बोल सकते हैं, ढोको लोलो पढ़ाई पे ध्यान दे। अच्छा वंदना है, लड़की है, लड़की लड़की, आजकल लड़के भी लड़की के नाम से चैटिंग करते हैं, ठीक है। ये तो आपका मेथड फर्स्ट हो गया, ये तो आपका मेथड फर्स्ट है, जो बेसिक्स है। अगर दुनिया में कुछ भी मेथड भूल जाओगे तो ये वाला मेथड आप नहीं भूलोगे, ठीक है, ये वाला मेथड आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको मेथड टू बताता हूँ। देखो 3 × 3 करोगे तो ये 3 से अगर आप 15 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपका 5 आया, ठीक है। अब देखो 3 × 2 करोगे कितना आया, 9 आया। आप इस 9 से 15 में डिवाइड करोगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9। 3 × 3 करोगे कितना आएगा, 27। क्या आप 27 से 15 में डिवाइड कर सकते हो, कभी नहीं, राइट, कभी नहीं। तो भाई आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, ये 5 + 1 आंसर कितना आएगा आपका, 6, यानी 3 × 6, यही 6 जो है m की वैल्यू है। सर दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आपका ये भी समझ में आया,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, यस सर मैं बदलना चाहता हूँ अपनी सोच, मैं अपनी पढ़ाई में आपको बनाना चाहता हूँ अपनी कोच, यस सर मैं बदलना चाहता हूँ अपनी सोच एंड यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान मैं आपको ही बनाना चाहता हूँ अपना कोच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कोच। सर अगर लंबी संख्या में दिया रहे तो कैसे करेंगे? मेरे भाई यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगी, लंबी संख्या में 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 500, 1 से लेकर 1000, 1 से 70 लगातार पूछेगी, लगातार पूछेगी। अगर ऐसा दे दिया जाए 2, 4, 6, 8, 12, 17, 19, 20, 27, 500, 600 इस तरीके से दिया रहे तब तो आपको मैनुअली पहला मेथड, देखो पहला मेथड तब यूज करना राइट, वरना अगर कहीं लगातार लिखा रहे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा है तो आप इसको ऐसे देखो, इसको अगर आपका यूपीएससी का भी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि इसी को थोड़ा ऐसे पैटर्न कर दे, 15 को लिखते सीधा लिखते 15 फैक्टोरियल में, फिर मैं यहाँ पर लिखा 3 की पावर m, यहाँ पर 3 की पावर m, देखो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर m, तो आप पूछ दे n की पावर 0 बताओ राइट, कुछ भी चेंज कर सकती है। अरे मेरा टेस्ट नहीं ज्वाइन करना तुम सी सेट का राइट, जब मैं बताऊंगा ना तब सी से ज्वाइन करना, बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो सब लोग, सी सेट बाई संजय कुमार सा, आपको बहुत मज़ा आएगा राइट। मैं खुद ही कई 8-8, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, कम से कम एवरेज 5.5 से 6 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ आपके सी सेट के लिए, मैं खुद से पढ़ रहा हूँ राइट, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अब आपको रिसर्च करके पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार यूपीएससी ने लास्ट 2 ईयर्स का पैटर्न चेंज किया प्रीलिम्स में, चाहे जीएस हो चाहे सी सेट हो, इसलिए मैं खुद भी अपने आप को एफर्ट लगाता हूँ कि एक्चुअली बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा ना हो, जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं एटलीस्ट उन बच्चों का भला हो ही हो, ठीक है क्लियर। चलो सेशंस को सभी लोग लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, देखो अब तो ये बात हुई, आज क्लास को इतना ही रहने दे क्या, क्योंकि अभी मैं एक बात और बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चंस हो गए राइट, है ना, अभी देखो मैं आपके क्वेश्चन है तो अभी आपका ये क्वेश्चंस हो गया, अब देखो इसी क्वेश्चंस में, अब इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, देखो इसी क्वेश्चंस को अब एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो राइट। देखो मैं अब आपको SSM फंडा बताता हूँ, देखो अब मैं आपको इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब मैं आपको SSM फंडा बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो अब मैं आपको SSM फंडा बताता हूँ राइट, कोई भी SSM फंडा हो राइट, जिस नंबर की पावर पूछे, जिस नंबर की आपसे पावर पूछे राइट, अगर जिस कोई भी नंबर दिया है राइट, हाँ उस नंबर की आपका पावर पूछे तो आप सीधा उसी नंबर से आप डिवाइड कर दो, देखो कैसे फॉर एन एग्जांपल इसको लिख लो, पहले आप इसको राइट डाउन कर लो राइट, ओके। देखिए मेरे पास मेरे बच्चे, मेरे को गुरु दक्षिणा के तौर पे यही चाहिए कि सभी बच्चे अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने घर परिवार में सभी को इस वीडियो को शेयर करेगा, ताकि आपके अलावा मेरे साथ साथ और भी मेरे प्यारे बच्चे इस सेशंस को ज्वाइन कर सके राइट, और भी लोग इस सेशंस को ज्वाइन कर सके राइट मेरे अलावा राइट। बाकी अन अकेडमी पे आज हो चाहे कभी भी हो, कभी अगर कभी लास्ट डे ऑफ़र आपको सुनाई दे राइट, आप मुझसे कॉल करके या मुझसे बिना भी पूछे आप लेंगे सब्सक्रिप्शन, तो आप इस कोड को यूज करिएगा SKS10 राइट राइट। इससे क्या होगा, आपको चाहे प्रोमो कोड लिखा हो चाहे रेफरल कोड लिखा हो, आप पुट करके लेंगे, किसी की कॉल आए तब भी उनको बोलेंगे कि आप कहोगे कि मेरे पास रेफरल कोड है SKS10 ऑन कॉल, इस कोड को यूज करके ज्वाइन करोगे ताकि मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है केवल आपको मेरी ही क्लास मिलेगी, मेरे साथ साथ आपको सभी ऑल एजुकेटर की क्लासेस मिलेगी, किसी का भी कोई भी कोड यूज़ करो सभी की क्लास मिलती है राइट। लेकिन एक फ़ायदा हो जाएगा मेरा कोड यूज़ करने से, आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे, मेरे साथ पर्सनली आप बात करोगे ठीक है, पर्सनली आप बात करोगे, ये ध्यान रखना ठीक है। चलो देखो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है, देखो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है तो देखो भाई इसमें 6 के बाद 7 छूट गया है, 7 छूट गया है, तो यहाँ पर SSM फंडा यूज नहीं होगा। जहाँ कंटिन्यूसली हो इसमें बेसिक्स ही यूज होगा, इसमें भी आपका बेसिक्स ही यूज होगा राइट, है ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो आपका लगातार है, यहाँ पे देखो आपका लगातार है राइट, यहाँ पे देखो आपका लगातार है, अगर यहाँ पे लगातार है राइट, है ना, तो इसमें अगर आप SSM फंडा यूज करोगे तो देखो कैसे 15 है ना, तो इस 15 में जो है ना, देखो यहाँ देखो
इस दो से डिवाइड करोगे दो सेवन जा, फिर पावर ऑफ टू, फिर टू से डिवाइड कितनी बार करोगे थ्री टाइम्स में, फिर टू के डिवाइड हो सकता है यहाँ पर एक बार में, अब नहीं हो सकता टू से, अब नहीं हो सकता टू से, अब नहीं हो सकता राइट। अब तो जो ये बीच वाला है ना, ये बीच वाला सेवन प्लस थ्री प्लस वन इलेवन, आपका आंसर आया इलेवन, समझो ध्यान से। फिर देखो आप इसके पावर ऑफ थ्री के लिए देखो, जैसे फिफ्टीन है ना, फिफ्टीन है ना, फिफ्टीन है ना, तो थ्री से थ्री फाइव जा, थ्री से करोगे थ्री वन जा, अब थ्री से नहीं जा सकता, तो फाइव प्लस वन कितना आएगा आपका सिक्स, देखो सिक्स आया, सिक्स आया था ना आपका। फिर देखो ये पावर ऑफ फोर है, फोर से फिफ्टीन में करोगे, फिफ्टीन में करोगे फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर से नहीं जाएगा तो आंसर कितना आएगा, केवल और केवल आपका थ्री आएगा, ये देखो केवल और केवल आपका थ्री आएगा। आई बात समझ में? हाँ जी, बाइनरी नंबर में होता है लेकिन पर टेलीग्राम चैनल सी सैट बाई संजय कुमार साह, आप टेलीग्राम पे लिखो ना ऐसे, देखो टेलीग्राम पे लिखना सी सैट स्पेस बाई संजय, जैसे लिखोगे अपने आप आ जाएगा कुमार एस एच ए एच आ जाएगा। आप उस टेलीग्राम लिंक को अभी ज्वाइन कर लो, ये जितना पढ़ाया इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दीपक कुमार, ठीक है। अरे तुम दिमाग तो लगाओ, जैसे देखो ये 20 है, 20 है, किसी पावर ऑफ टू चाहिए ना 20 में, देखो 20 में पावर ऑफ टू चाहिए, देखो दो से करो 10, फिर दो से जाए करो 5, क्योंकि दो पूछा है तो दो ही से करेंगे, दो दूना चार, फिर दो से करो 1, अब नहीं जाएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18, देखो 18 आया। पावर ऑफ क्या पूछा है, 5 पूछा है 50 में, 5 पूछा है 50 में, देखो 50 में 5 पूछा है, 5 10 जा, 5 2 जा, अब 5 से नहीं जाएगा, तो 10 प्लस 2 12, 12 है कहीं, देखो ये 12 आया आंसर। पावर ऑफ 3 पूछा है, पावर ऑफ 3 पूछा है, पावर ऑफ 3 पूछा है 50 में, देखो 3 से 16 या 88 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 16 प्लस 5 21, 22 आया, ये देखो 22 आया, आया 22 आया, आया कि नहीं आया सर? ये इजारे बच्चे सब, इसमें मुझे बताओ तो, पावर ऑफ 7 बताओ तो इसमें मेरे तरीके से, पावर ऑफ 5 बताओ तो इसमें, आराम से बताओ मेरे तरीके से, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। कल क्लास में मैं आपको 6 बताऊंगा, 8 बताऊंगा, 6 में क्या होगा 2 × 3, तो 2 का भी चाहिए 3 का भी चाहिए, 8 बताऊंगा, फिर 10 बताऊंगा 2 × 5, 12 बताऊंगा, 15 बताऊंगा, राइट है ना। जो जो चांसेज है यूपीएससी में आ सकता है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन कैट में आए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में आए हैं, जहाँ से यूपीएससी की नज़र होती है, हम यूपीएससी के कॉन्सेप्ट को फोड़ डालेंगे, राइट। अगर आप हमारे साथ कनेक्टिविटी में रहोगे तो, नहीं रहोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मैं भी आपको जिद नहीं करता हूँ, मेरे क्लास देखो राइट, यूट्यूब पे मैं बताऊँ, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ राइट, मेरे खुद के ऐसे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने मेरा पेड कोर्स देख करके यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मेरे खुद के, मैं ऐसे मिनिमम मैं बताऊँ आपको 17 ऐसे एजुकेटर हैं जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, और वो आज CSAT पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, रियली वेरी हैप्पी। अब देखो ना, मैं जो चीज़ ऐसा पढ़ा रहा हूँ, अगर वो पढ़ा भी हो चुके होते हैं तो फिर से इसको इसी तरीके से वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, राइट है ना। हाँ, मैक्यूज़ का एक क्वेश्चन है, 2^56 डिवाइड बाई 56 करके क्वेश्चन पूछा है, राइट। देखो मैक्यूज़ का एक डाउट्स है, राइट है ना, एक बच्चा है मैक्यूज़, वो डाउट्स है इसका, मैक्यूज़ एक बच्चा है राइट, उसका एक डाउट्स है, कल जो पढ़ाया था 2^57 डिवाइडेड बाई 56, यही वो क्वेश्चन है आपका, यही वो क्वेश्चन है मैक्यूज़, इज इट योर क्वेश्चन राइट। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, देखो भाई इसको देखो कैसे लिखो, देखो आपको पता है कि भाई 2^1 करोगे 2, 2^2 करोगे 4, 2^3 करोगे 8, 2^4 करोगे 16, 2^5 करोगे 32, 2^6 करोगे 64, 2^64 हो गया ना, 2^7 करोगे तो 128 आया, देखो 128 आया। अब सुनो ध्यान से, देखो मैं कुछ मेरे बच्चे आपको सिंपलेस्ट करना है, देखो ध्यान से देखो, राइट ध्यान से देखो भाई, ये 56 जो है ना 4 से भी कर सकता है, 8 से भी कर सकता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ,
टू की पावर थ्री है ना, इसको देखो मैं इसको लिखता हूँ टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर 57 माइनस थ्री करोगे तो 54 डिवाइड बाई 56। देखो टू की पावर थ्री को आप क्या लिख सकते हैं, टू की पावर थ्री को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एट लिख सकते हैं, एट इंटू टू की पावर 54 डिवाइड बाई 56। अब 8 से आपने कहा था 8 7 जा 56। देखो भाई आपने डिवाइड बाई 8 किया, यहाँ पे आपने डिवाइड बाई 8 किया, डिवाइड बाई 8 किया राइट, तो ये आपका हो गया 2 की पावर 54 डिवाइड बाई 7। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर IAS ऑफिसर, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। निधि सर प्लीज़ यूट्यूब से वीडियो डिलीट नहीं करा कीजिए, भैया आप कोचिंग करते हो क्या, मैं कुछ यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, सेवन का टोशेंट कितना होता है, देखो टोशेंट ऑफ सेवन का टोशेंट करोगे तो सिक्स आएगा, पल बताया था ना कैसे, सेवन का मतलब सेवन की पावर वन थी, सेवन में से एक कम सिक्स, सेवन से सेवन कैंसिल का कितना आएगा टोशेंट सिक्स आएगा। अब आप इस सिक्स से 54 में डिवाइड करोगे तो 6 9 जा 54 कैंसिल हो गया कम्प्लीटली, जब कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका वन, रिमाइंडर कितना आएगा वन। मयकूस इज इट क्लियर, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ, क्या आपका डाउट्स क्लियर हुआ मेरे प्यारे, मेरे बच्चे अभी फरफराओ मत, क्यों भाग रहे हो। मयकूस इज इट क्लियर, क्या आपका ये डाउट्स क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्या आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ, ये बातें आपका क्लियर हुआ। मयकूस इज इट क्लियर बेटा, मयकूस कहाँ है, यस देखो मयकूस इसको एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते, नहीं सॉरी, रिमाइंडर वन नहीं होगा, हेलो, माफ़ करना, रिमाइंडर वन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने डिवाइड बाई एट किया था ना, सुनो, यहाँ पे आप डिवाइड बाई एट किया था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई एट करना पड़ेगा, राइट, मल्टीप्लाई बाई एट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 1/7, जब नीचे क्या है 56 है, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, तो 8/56 हुआ, रिमाइंडर आपका 8 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर अच्छा विदाउट ट्यूशन बताऊँ, राइट, मुझे विदाउट ट्यूशन भी बताया था, देखो विदाउट ट्यूशन भी, अरे तुम जैसे कहोगे वैसे बताऊँगा, मुझसे तुम जितने तरीके से पूछोगे ना मैं उतने तरीके से बताऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ, चाहे UPSC क्वेश्चन इधर से पूछे, चाहे उधर से पूछे, चाहे ऐसे पूछे, जैसे पूछे तुम वैसे उसका आंसर दो, राइट, किसी की औकात नहीं है कि तुमको हिला दे, राइट, है ना, लेकिन तुम्हें देखो यहाँ से यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो ध्यान, मान लो 2 की पावर 54 है डिवाइड बाई 7, अब देखो 2 की पावर, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 9, 2 की पावर 6 9 जा 54 डिवाइड, 2 की पावर 6 करोगे कितना आएगा 64 9 और बाई 7, अब देखो 7 से जब 64 में डिवाइड करोगे, जब 7 से 67 9 जा 6 जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1 की पावर 9 करोगे तो कितना आएगा आपका 1 आया, देखो ये आपका रिमाइंडर कितना आया 1 आया, रिमाइंडर आपका कितना आया यहाँ पे 1 आया 1/7 रिमाइंडर 1। अब 1/7 के लिए आप यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 8 से, तो आपका आंसर कितना होगा 8/56 आंसर कितना होगा रिमाइंडर 8, यहाँ भी 8। मयकूस अब आपको समझ में आया, यस सर मल्टीपल करना पड़ेगा, वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे, कल क्लास नहीं होगी राइट, है ना यार, ऐसे क्यों बोलते हो, स्टॉप दिस क्लास, गौतम बेटा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, इतना फरफराइए नहीं, है ना, थोड़ा पेशेंस तो रखो। देखो जो मैंने अभी अपना SSM फंडा बताया ना, इसी फंडे को यूज करके आप इसको सॉल्व करो तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो तो जो मैंने अपना SSM फंडा लास्ट वाला बताया, एक बार आप इसको यूज करके आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। राइट, आप इसको सॉल्व करिए इसी फंडे को यूज करके।
देखो जब भी किसी भी नंबर से हम कल वाली क्लास जरूर देख लेना, जब भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, देखो ये 15 है तो 15 में आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15, फिर 3 की पावर, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा नहीं तो क्या बचा 5 प्लस 1 कितना आएगा आपका 6, और आंसर कितना आएगा आपका भी। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में अरे वाह मज़ा आ गया, अरे वाह मज़ा आ गया कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करिए। मेरे प्यारे बच्चे फिर से अनअकैडमी के आप पे चाहे ऑप्शनल का ज्वाइन करना हो, चाहे जीएस का, चाहे सी सेट का, चाहे टेस्ट सीरीज का, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप चाहे आपके दोस्त भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप ज़रूर बताएंगे कि मेरा ही कोड यूज करें, दैट इज माई रेफरल कोड इज SKS10 राइट, ताकि आपको IIT का फंडा IITian अप्रोच में आपको बता सकूँ राइट। सो प्लीज़ यूज माई रेफरल कोड SKS10 फॉर ऑल कोर्सेस राइट, फॉर ऑल कोर्सेस राइट। थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कैसा लगा क्लास ये मुझे बताइए कमेंट में राइट, कैसा लगा मुझे क्लास ये मुझे बता राइट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। होमवर्क दे रहा हूँ, देखो होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क होमवर्क दे रहा हूँ राइट। 1 2 3 4 85 या तो ये हुआ क्वेश्चन, यानी तो इसको 85 फैक्टोरियल कहते हैं राइट, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 7 राइट। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 2 3 1000 तक दिया है राइट, या इसी को आप 1000 फैक्टोरियल कहो राइट। इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ पावर ऑफ 7, दूसरा पावर ऑफ 2, तीसरा पावर ऑफ 5 डी, पावर ऑफ 6, पावर ऑफ 6 राइट। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा दे रहा हूँ पावर ऑफ 8। अब 6 और 8 आपका डाउट्स रहेगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन मोड में बताइएगा राइट, है ना। इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन मोड में बताइएगा। सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लो, सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लो, कौन सा कोड यूज करोगे अगर आपको अनअकैडमी से कॉल आए तो राइट। और आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर तो जरूर यूज करना मेरा रेफरल, तो ही आप बनना रेफरल कोड SKS10 कोड का यूजर, तो ही आप बनोगे रेफरल कोड SKS10 कोड का यूजर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कीजिए, अनअकैडमी के लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप चेक कीजिए, रेफरल कोड प्रोमो कोड की जगह इस कोड को यूज कीजिए। आइए मेरे साथ आप मेरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट में प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट। वीडियो को गुरु दक्षिणा के तौर पर लाइक तो करते ही हो, बस आप शेयर करते रहो ताकि किसी की कितनी भी मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, DI, इंग्लिश, जनरल साइंस, साइंस, साइंस टेक, NCERT अगर वीक हो तो वो आप उस लेवल पे आप अपने आप को पहुंच सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।